बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इसी के साथ ही आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग तो आज आके हमने स्टार्ट करना था, बल्कि कल स्टार्ट करना था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि व्लॉग मैं स्टार्ट करूँगा, आज व्लॉग मैं बनाऊँगा। आज वो बनाने वाले हैं रेसिपी, तो मैंने कहा चले जब तक वो आएँगे तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो दोपहर में मुझे ब्रेक टाइम में जो है ना वो काफ़ी काम पड़ गया है, तो मैं नहीं आ सकता अभी। मैं लेट आऊँगा तो तुम ना चीज़ें ले लें। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं साथ वाली आंटी को मिला के गई हूँ शॉप पर, वहाँ से मैं सामान लेके मैं वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। सेकंड थिंग इज़ के बल्कि दिखा देती हूँ क्या, कल ही गई थी, कल ही लिया था और कल ही मैंने वो मतलब वीडियो सारी रिकॉर्ड कर ली थी। अभी शाम में आके मैं थके हुए थे तो मैंने उनको कहा नहीं कि भाई वीडियो बना लो, फिर सुबह में ना ऐसे जल्दी जल्दी में चले गए। तो मैंने कहा क्यों ना व्लॉग मैं ही स्टार्ट कर लेती हूँ, जब पूरी वीडियो कम्प्लीट हो चुकी है तो क्यों ना स्टार्ट भी मैं ही ले लूँ। सो लेट्स हैव अ लुक एट आवर व्लॉग। सो आके बाद ब्रेक टाइम में नहीं आ सके, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, उन्होंने कहा मैं बहुत बिज़ी हूँ और मुझे फिर शाम का खाना भी बनाना था और कुछ लवाजमात भी और किस्म के करने थे, कुछ चीज़ें भी चाहिए थी। सो मैं वो ले आई, सबसे पहले ये पापड़ देख लें ये लेकर आई हूँ, उसके बाद यहाँ पर सब्ज़ी है ज़्यादा सारी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको बल्कि बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बनाने वाली हूँ पकौड़े, तो मेरी रेसिपी आप देख लेंगे पकौड़ों वाली, उसमें मैं पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करती पकौड़ों में मसाला बनाते हुए ना। तो ये है मेरा सारा पकौड़ों का सामान, उसके बाद यहाँ पे बेसन, नमक ख़त्म हो गया था हमारा, नमक है, दही है और नाश्ते के लिए अंडे। सो ये डन हो चुका है, ठीक है। और अभी अभी मैंने ऑयल का पैकेट जो है ना वो उसमें शिफ्ट कर दिया बॉटल में। सो अब इन सब चीज़ों को, सब्जियों को धोते हैं, इन सब चीज़ों को उनकी जगह पर रखते हैं और उसके बाद अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सो तमाम तर सब्ज़ियाँ जो है वो यहाँ पर वॉश हो चुकी हैं। मैं आलू डाल रही हूँ, प्याज डाल रही हूँ, गोभी डाल रही हूँ, इसके अलावा एक लेमन और थोड़ी सी मिर्ची होंगी इसमें, ज़्यादा सारी इसमें हरी धनिया होंगी, और इसके अलावा जो है ना मैं इसमें डालती होती हूँ पालक भी, तो पालक मुझे मिली नहीं है। सो चले भाई इनकी कटिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। धनिया का कलर माशाल्लाह से चेक करें, कितना फ्रेश फ्रेश और कितना प्यारा आ रहा है ग्रीन ग्रीन सा। नाउ सी द मैजिक। हाँ थक गए हैं जी, इतने पे ही, कोई मैजिक नहीं है। इतना मुश्किल हो रहा है कट करना और मैं ऐसी बेसब्री हूँ कि थोड़े पे तो मुझे मेरा गुजारा भी नहीं है ना, मतलब मेरा नहीं आके कभी, हम दोनों को बहुत शौक है इस पकौड़ों का, तो हमने कहा है कि हमने ना पेट भर के बनाने हैं, तो अभी भर के बनाने के चक्कर में हाथों की भर के बहुत दर्द हो रही है भाई। सबसे मुश्किल काम अभी बाकी है। सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सारे जो थी मेरी सब्जियाँ वगैरह सबको कट कर लिया था, उनके अंदर मैंने बेसन डाली थी और जो मसाले हमारे घर में आम यूज़ होते हैं, आमतौर पे जो हम किचन में यूज़ हो रहे होते हैं, वही मसाले जो है वो मैंने थोड़े थोड़े जो है वो इसके अंदर ऐड किए हैं। तो अब अच्छी तरीके से इनको मसल के जो है वो मैं मिक्स कर लूँगी और अगर कमी हुई तो मैं पानी डालूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी और जो सब्जियों का पानी होगा वही इसको पूरा रहेगा, क्योंकि जैसे ही नमक लगता है या फिर मसाला लगता है ना सब्ज़ी के साथ वो पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। सो अक्सर ऐसा होता है कि पकौड़े बनाते हुए जो है ना, अगर आपको बैटर में ये ख़ास तौर पे प्याज हो तो आपको जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती पानी ज़्यादा डालने की, थोड़ा बहुत जो है वो डालना पड़ जाता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा यहाँ आप देख सकते हो ये कंडीशन हो चुकी है हाथ से मसलने के बाद, इसमें अभी तक मैंने जो है वो पानी ऐड नहीं किया। तो अब यहाँ पर ये देख लें आप, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो अभी तक खुश्क है मसाला, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल बिल्कुल कितना सा, मतलब आधे कप से भी कम पानी, बहुत कम, एक चौथाई हिस्सा जो होता है ना कप का वो ऐड करूँगी इसके अंदर। ये भाई आप लोग देख सकते हैं मेरा बैटर जो है वो कम्प्लीटली तैयार हो चुका है, मैं जो है ना उसके अंदर ना जो होता है बेसन वो मैं उसकी क्वान्टिटी कम ही रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती वरना वो अंदर से ना पकते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो तेल गर्म हो रहा है और इधर आप भी आ चुके हैं और जेब घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नहीं दूसरी तरह, दूसरी तरह रखो और आराम से ऐसे ऐसे ऐसे। वाह दरवाजा मत कर दो उधर से, आज मैं पकौड़े बनाऊंगा तुम क्या याद करो, गरम हो गया सारा काम मैंने किया, एंड पे आके मैं पकोड़े बनाऊंगा, नहीं अभी नहीं हुआ अभी। मास्टर शेफ जो होता है ना, मास्टर शेफ वो अपने हेल्परों से ही काम करवाता है, वो खुद सिर्फ कुकिंग करता है, ये कटिंग मिक्सिंग या तुम सिखाया होगा, इसकी तलाई जो है ना वो मैं करूंगा। गरम हो चुका है घी? नहीं सर अभी नहीं हुआ, अभी रुक गया सर। ये साइज तुमने रखना पकौड़े का, ठीक है
बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है। आप रखे ना अब सारे बनाए। बिस्मिल्लाह रुके 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 इसको फ्लेम थोड़ा तेज कर। अभी चेक मतलब किस तरह करना है। इस तरह ज्यादा ओवर भी ना हो हाथ ही ना जला करना। रुको ना वो इसके अंदर पानी है अभी तक वो हो रहा है। क्या करते हैं उसको पानी डाला तुमने? नहीं धोई थी ना कढ़ाई तो उसमें थोड़ा सा मतलब हो गया रह जाता है ना एंड पे। हो गया चलो बेटा डालते रहिए। देखो अभी तक नहीं हुआ था ये ना करो। हो गया एक चम्मच भर के इस पर मेरे हाथ के पकौड़े खाओगी ना। हाँ क्या सारा काम मैंने किया सारा टेप सारे ना बनाओ ना मुझे चेक कर लेना एक दफा उसके बाद तीन पकौड़े चेक करते हैं। अल्लाह ये तीन जी तो ये बन चुके हैं बल्कि वो ना काले होना स्टार्ट हो गए हैं। इनको निकालें और शेफ साहब आप ट्राई करें कि कैसे हैं। आज दोपहर में क्यों नहीं आए वैसे? सबका रोजा था मैंने कहा मैं क्या अगर अकेला बैठ के खाऊंगा फिर मैंने बाजार से ना है आके जो इसलिए घर नहीं आए बाजार से मैंने खाना खा लिया। घर में रोटी बाहर रहती नहीं एम ही मेरे ड्रेस के पैसे जाया कि नहीं ड्रेस हां जी 300 का ड्रेस आता है मैंने 300 का खाया। 300 का क्या खाया था? बिरयानी। मैं याद नहीं आई उस वक्त है बिरयानी और बोतल मैं याद नहीं आई 300 का पैकेट ये चूल्हा आज तक ये आके हम पता है क्या करेंगे आज वो दिन हो गया ना बेटा मुझे भी बाहर ले जाए हुए तो आज हम चलेंगे बाहर आइसक्रीम खाने। बोलो कबूल है? हाँ ठीक है कबूल है कबूल है कबूल है ठीक है। अच्छा जी सबसे पहले ट्राई करो उसके बाद उसको देखना। बहुत लोग हो गया फ्लेम इसका चक्कर नहीं है। नमक मिर्च सारा कुछ बताना है ठीक है और जल्दी जल्दी ट्राई करो रोज तारीख का टाइम हो रहा है। क्या सीन है? नमक मिर्च सब कुछ मिर्चें भी देख लो नमक भी ठीक है डन। चलो फिर अब मैं बनाती हूँ आप अपनी शेफनेस किसी और दिन दिखाइएगा जब खुद से मुझे कुछ बना के खिलाना हो। यहाँ पे सारी मेहनत मेरी और नाम अपना बनाए जा रहे हैं। वाह संडे को आप कुकिंग किया करना ठीक है आके हम इस तरह की रूटीन बना लेते हैं ठीक है कि ना पूरे 6 दिन मैं कुकिंग करूँगी और संडे को आके कैसा? मुझे संडे को छुट्टी नहीं होती। होती है आके। हाँ जी तो अफ्तारी वगैरह जो है वो हमारी हो चुकी है तो मैंने इनसे वादा किया था कि आज आपको आइसक्रीम खिलाएंगे क्योंकि इन्होंने रोज़ा रखा था तो अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम वगैरह खाने। तो हाँ जी रेडी हो? रेडी हो? हाँ जी रेडी। आइसक्रीम खाने के लिए खुश देखो ये खड़ी चलें चलते हैं। और ना बिल्ली का जो है ना चिकन हाँ चिकन भी खत्म हो चुका है वो भी लेके आना है तो बिल्लो परेशान ना हो आपका चिकन भी आ रहा है और हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। चलो भाई आइसक्रीम तो बहुत पहले जो है वो मिल गई थी हमें लेकिन चिकन की दुकानें बंद बंद बंद। हम लोग दरअसल निकले हैं टाइम क्या हुआ इसमें आगे टाइम क्या हुआ है 8 बज गए हैं तो चिकन की सारी शॉप बंद हो चुकी हैं। हमारे बिल्ली ने घुमाया हुआ है जिस शॉप पर जाते हैं वही बंद वही बंद वही बंद आके फिर वही पीछे चलते हैं आइसक्रीम लेते हैं और चलते हैं घर और एक बर्गर भी। चलो फिर चलो आज इतनी ठंडी हवा चल रही है ना लग रही है ना ये अब खाना अच्छा, ना खा के जाना इधर से खा लो। चलो चलते हैं घर की तरफ भी चलते हैं और खाते भी चलेंगे ठीक है। चलो रश है यार मैं गली में जाके खाऊंगी।
जी तो बिल्लो जो है वो अपना खाना नोश फरमा रही है और यहाँ पे आकिब के साथ मैं अनबन हूँ। आकिब क्या लें जी, रूम की सफाई करते करते एक नया कट्टा खुल गया, मैंने इनको खोला है। मैंने कहा काफ़ी दिनों से जो है ना वो मैंने कंबल धोया हुआ था तो वो ऊपर ही पड़ा हुआ था, तो उसको ना मैं अंदर रख देती हूँ। रखने लगी हूँ तो जब जिप बंद करने लगी हूँ तो पता चला है कि जी आकिब जो है वो उसकी दोनों जिप्स जो है ना वो तोड़ चुके हैं, ख़त्म हो गया। अब इसकी जिप ठीक होगी तो ये सही तरह बंद होगा। अब ये बेचारा निकला पड़ा बाहर। दूसरा ये ड्रेस निकाली है, बहुत सारे कपड़े देखने को मिले हैं जो मैंने काफ़ी दिनों से भूली भी थी कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। रेशमी कपड़े भी पहने ही नहीं जाते घर में, क्या करें, कहीं जाना हो तो फिर भी है कि बंदा रेशमी पहन ले, लेकिन घर में आम रूटीन में रेशमी नहीं पहने जाते। दूसरी चीज़, कल मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी तो मैंने उनके अंदर देखा कि ना आप लोगों ने काफ़ी जगह बोला हुआ था कि सिस्टर आप बहुत मोटी हो गई हैं तो काइंडली आप थोड़ा गौर करें इस पर। मुझे भी पता है कि इस पर भाई मुझे गौर करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं क्या करूं कि मतलब मुझसे डाइटिंग नहीं होती, आई डोंट नो क्यों नहीं होती है। मतलब मैं ऐसा नहीं कि भूखा नहीं रह सकती, रह सकती हूँ, बिल्कुल रह सकती हूँ, लेकिन ना पता नहीं मेरे से डाइटिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, हालांकि मुझे खीरे और ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह पसंद भी बहुत हैं, डाइटिंग में वो यूज़ होता है तो मैं खा सकती हूँ उनको, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे एक रूटीन पे ज़्यादा दिन तक जो है ना वो रह ही नहीं सकती। दूसरी चीज़ ये देखें इस आदमी के इतने कपड़े, इतने कपड़े, इतने कपड़े हैं, इनमें सिर्फ मेरे ये दो सूट पड़े हुए, ये सारे आकिब के कपड़े हैं। और पीछे भी चेक कर लें, यहाँ पे पैंट शर्ट्स वगैरह काफ़ी सारी पड़े हुए हैं, इधर सूट खड़े हुए हैं, 6 सूट इधर धोने वाले पड़े हुए हैं, 1-2 इधर खड़े होंगे, ये पैंट्स वगैरह ये सारा कुछ उन्हीं के खड़े हैं। इतने कपड़े हैं, मैं धो धो के थकी हूँ, इस्त्री कर करके थकी हूँ, लेकिन ख़त्म नहीं होते। शुक्र है कुछ इस्त्री किए हुए जो मैं यहाँ पे नहीं थी, शॉप से उन्होंने करवाए थे, वो खड़े हुए हैं अभी। और दूसरी चीज़, एक आदमी मुझे कह रहा था, अंकल थे या भाई थे या मतलब आंटी आपी कौन थी मुझे नहीं पता, यूज़र ने मतलब उस पर खास मेंशन नहीं था, वो कह रहे थे कि छोटी मोटी। हाँ भाई, अब हूँ छोटी और मोटी भी, सारे ही कुदरत के काम है, मैंने खुद जानबूझ के थोड़ी किया है। सो भाई मुझे आज के व्लॉग में दीजिए इजाज़त, व्लॉग में इजाज़त दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करते जाएं चैनल को, और इसी के साथ ही नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।